जान कल बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ, ये जान कर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के, ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, हले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के। कई जगह पे किसान इस तीन कानून को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से तोल मोल की पोजीशन में है, मसलन आखिरी जो बातचीत थी उसमें नरेंद्र मोदी सरकार ने कहा कि हम 1.5 साल तक के लिए इसको टाल रहे हैं। ये कोई बैगन खरीदने का मामला नहीं कि 15 के बदले भैया 12 लगा लो। कानून वापस करने की मांग हो रही है और किसानों के लिए जो कानून लाए गए हैं, किसान कह रहे हैं हमें ये कानून नहीं चाहिए। तो सवाल है फिर मोदी सरकार जिनकी भलाई की बात कर रही है, वो जब उससे संतुष्ट नहीं है तो किसके दबाव में ये कानून वापस नहीं ले रही है? जो किसान हमारे अन्नदाता है उनको ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनका बात को नहीं माना जा रहा है, और एक तरफ अदानी और अंबानी जैसे कॉर्पोरेट से उनके हाथों में पूरे देश को बेचा जा रहा है। जिस तरीके से ये सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हर आंदोलन को बेशर्मी की तरह गुंडागर्दी पे उतर के एक ही स्क्रिप्ट का इस्तेमाल बार बार करके हर आंदोलन को दबाने की कोशिश करती थी, वही इन्होंने इस बार किसान आंदोलन के साथ किया। आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने क्यों नहीं दे रहे हैं? एक जेन्युइन सवाल है लोगों का, लोगों को लग रहा है कि फार्मर्स की आवाज़ को दबाया जा रहा है। सैकड़ों किसानों को अभी डिटेन किया गया है, उनका वेयर अबाउट पता नहीं है कि वो कहाँ है, किस पोजीशन में है। जो जिस तरह का डिटेंशन किया गया है उसमें कानूनी प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया है। इन सारे सवालों के खिलाफ जब नागरिक एकजुट होते हैं तो 144 का हवाला, पेंडेमिक एक्ट का हवाला, कि हमारे हाथ में बैनर है, झंडा है, हमारे गले से नारे निकल रहे हैं, लाठी किसके पास है, डायट कियर किसके पास है, वाटर कैनन किसके पास है, ये आज हम देख रहे हैं। यहाँ हो, सिंगू बॉर्डर पे हो, टिकरी बॉर्डर पे हो, यूपी के बॉर्डर के ऊपर, इन सारी जगहों के ऊपर ये बैरिकेड्स तीन काले कानूनों की सुरक्षा में सहमी हुई सरकार ने लगाए। ये सरकार डरी हुई किसानों से, ये सरकार छुपना चाहती है बैरिकेड्स के पीछे, उन नोकीली कीलों के पीछे जो हमें लगातार सोशल मीडिया पे कम से कम दिखाई है। पुलिस का जो ये बंदोबस्त है, तो ये मैं तो इसको इस तरीके से देखता हूँ कि ये उसी की एक कड़ी है। मोदी सरकार को इसके सिवाय दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि वो दमन के रास्ते पे चल के इस आंदोलन को कुचलना चाहते हैं। सरकार कीले बनवा रही है, दीवारें चुनवा रही है, सीमा पर इस तरह की तैनाती की गई है सुरक्षा बलों की, लग रहा है जैसे ये कोई बॉर्डर हो, इंटरनेशनल बॉर्डर हो। किसानों को पीटा जा रहा है एक तरीके से, मंदीप पूनिया जैसे कई सारे जर्नलिस्ट को जेल में डाला जा रहा है क्योंकि वो सच्चाई को दिखा रहे हैं, और आज जब जो सिटीजन दिल्ली के जो नागरिक बाहर निकल के आए उनको रोका जा रहा है, तो आज देश के अंदर एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी चल रहा है। इस बात को हम लोग जेएनयू से, डीयू से, एयूडी से, सारे छात्र है जामिया से, हम लोग बार बार उठा के दिखा रहे हैं देश के सामने कि आज देश का क्या हालात है। सीधी सी बात यह है कि जो भी तानाशाह ताकतें होती हैं वो हमेशा जनता की आवाज़ से डरती हैं। ये सिर्फ दिल्ली की सिविल सोसाइटी है जो यहाँ से और जंतर मंतर तक एक मार्च निकालना चाहती है। उनसे क्यों इतना डरते हैं, क्यों सारी आवाज़ को सप्रेस करना चाहते हैं, ये उनका डर दिखाता है। ये दिखाता है कि हमारी जो सरकार है वो कितना किसी भी तरह की प्रतिरोध की जो आवाज़ें हैं उनको किस तरह दबाना चाहती है। कुल मिला के माहौल ये है कि आतंक से नागरिकों को डराया जाए ताकि वो प्रोटेस्ट के साइट पे असेंबल ही ना हो। जब प्रोटेस्ट करने का राइट है हमारा, इसके लिए क्या परमिशन की बात करते हैं? सारा कानून हमारे ऊपर थोपेंगे क्या, जनता के ऊपर? किसानों पे जिस तरह का रिप्रेशन हो रहा है उसको फौरन खत्म किया जाए, तीनों कानूनों को रद्द किया जाए, और जिन लोगों पे केसेस लगाए हैं, 120 के करीब किसान जेल में हैं, उनको छोड़ा जाए। जर्नलिस्ट पे जिन पे केसेस लगाए हैं उन केसेस को रद्द किया जाए, ये हमारी डिमांड्स है।